पेज नंबर 290। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक की संख्या में एक जोड़ने पर 1 लाख प्राप्त होगी, 99,999। दूसरा प्रश्न संख्या 2, 7, 8, 5, 6, 4, 0, 8, 3 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 79,920। व्याख्या संख्या 2, 7, 8, 5, 6, 4, 0, 83 में दाईं ओर के 8 का स्थानीय मान 8 × 10 = 80 है। दूसरे 8 का स्थानीय मान 8 × 10 = 80 लाख। 80,-80 = 79,920। उत्तर प्रश्न 3। 11 से 20 तक कितनी रूट संख्या होंगी? 4। प्रश्न 4। जोड़ के लिए निम्न में से कौन सी इकाई तत्व है? 0। 5वां रोमन संकेत L × 6 किस संख्या का द्योतक है? 66। 6ठा प्रश्न 4, 0 और 2 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 216। 7वां वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्न होगी 33। 8वां यदि किसी संख्या में 5 का भाग दे तो भागफल 4 तथा 2 से बचता है, वह संख्या क्या है? 22। इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। 5 × 4 + 2 = 22। 9वां प्रश्न 12 + 3√6 = 13 से 1/6 में त्रिभुज के स्थान पर क्या अंक लिखा जाए कि कथन सत्य हो जाए? 7। 79/6 − 12/79 − 72/6 = 7/6, इसलिए रिक्त स्थान पर 7 अंक लिखा जाएगा। 10वां प्रश्न 16 से 32 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? 216। 1 से 32 तक के सम पदों की संख्या बराबर 32/2 = 16, इसलिए 1 से 32 तक की सब संख्याओं का योग बराबर 16 × 17 = 272 तथा 1 से 15 तक के सम पदों की संख्या 14/2 = 7, इसलिए 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग 7 × 8 = 56, इसलिए 16 से 32 तक के सम पदों की संख्या बराबर 272 − 16 = 216। 272 − 56 = 216। 11वां प्रश्न किस संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? 0। पेज नंबर 291। 12वां प्रश्न दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है? 2। 13वां प्रश्न ऐसे 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को बताइए जिनका योगफल और गुणनफल समान हो, 1, 2, 3। 14वां प्रश्न 5 × 10 + 3^2 × 10 × 4 से किस संख्या का बोध होता है? 410। 15वां ऐसी अभाज्य रूट संख्या बताइए जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो, 5। 16वां 5 अंकों की सबसे छोटी या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? 1। 17वां रोमन पद्धति व्यायाम का मान 1000। 18वां 50 का मान होता है 1। 19वां प्रश्न 5 लाख - 1 प्रश्नवाचक चिन्ह 4,99,999 इसमें आएगा बराबर का चिन्ह। 20वां प्रश्न 100 से 400 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 37,500। पेज नंबर 292। टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित का महत्व। गणितीय समस्याओं का हल ज्ञात करने में जब वैदिक गणित विधा का निरंतर मौखिक अभ्यास किया जाता है तो मानव की एकाग्रता बुद्धि का विकास होता है और उसके चिंतन मनन से प्रखरता आती है। वैदिक गणित की सरलता सरसता रोचकता के कारण मानव मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। जिज्ञासा उसे जागरूक बनाती है तथा समय से उसके अंतर चेतना जागृत होने लगती है। वास्तव में वैदिक गणित इसी की चेतना के जागृत होने की करने की विधा, यही अंतर चेतना मानव के व्यक्तित्व मस्तिष्क के विकास का आधार बनती है। मूल संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार। पहला योग संक्रिया। योग करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला स्तंभ संरचना में मापन इकाई के अनुसार लघु इकाई में भी स्तंभ संख्या निश्चित होती है। जैसे मापन इकाई मुद्रा में 1 रुपया = 100 पैसे तो लघु इकाई पैसे में 2 स्तंभों के अर्थात 5 पैसे को स्तंभ रचना में 0.5 पैसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर = 1000 मीटर अर्थात लघु इकाई मीटर में 3 स्तंभ रहेंगे अर्थात 84 मीटर को स्तंभ रचना में 0.84 मीटर लिखा जाएगा।
दूसरा स्तंभ रचना पूरी करने के बाद सूत्र द्वारा पूर्ण संख्याओं की भांति योग कर दिया जाता है। तीसरा मापन इकाई समय घंटा मिनट सेकंड के प्रश्नों के योग करते हुए मिनट व सेकंड के प्रथम स्तंभ में आधार 10 व द्वितीय स्तंभ में आधार 6 लेना चाहिए। घंटा के स्तंभों में आधार 10 ही लिया जाता है। जो उदाहरण योग कीजिए, किलोग्राम और ग्राम 112 किलोग्राम ग्राम 0.65, 360 किलोग्राम 0.85 ग्राम, 65 ग्राम को 0.65 ग्राम तथा 85 ग्राम को 0.85 ग्राम लिखा। दूसरा इकाई स्तंभ ऊपर से योग प्रारंभ। तीसरा 5 + 5 = 10, अतः 5 के पूर्व अंक 8 पे एक अधिक चिन्ह। शेष बराबर 10 - 10 = 0, चौथा शेष 0 + 2 + 5 = 7 लिखा। नीचे उत्तर के स्थान पर 5 में इसी प्रकार आगे करें। मौखिक योग संक्रिया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन प्लस शून्यांत संख्या प्रयोग। उपरोक्त सूत्र प्रयोग आधारित विधि के द्वारा बड़ी बड़ी संख्याओं का योग द्रुत गति से मौखिक ज्ञात किया जा सकता है। शून्यांत संख्या प्रयोग भारतीय प्राचीन गणित की एक विशेष विधि है जो बड़ी सरल तथा योग संक्रिया में बड़ी प्रभावी। इस विधि में इकाई दहाई दो दो अंकों की संख्याओं का विशेष प्रकार से योग किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर तीन तीन अंकों इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्याओं का योग भी किया जा सकता है। विधि दो संख्याओं में से एक संख्या को शून्यांत बनाइए, इसकी न्यूनता को दूसरी संख्या से पूरा कीजिए, दोनों नई संख्याओं को जोड़िए। प्राप्त योगफल यदि 100 से अधिक हो तो निश्चित पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाइए। शेषफल की अगली संख्या में जोड़िए। अंत में अंतिम शेषफल को उत्तर के स्थान पर लिखिए। अगले दो स्तंभों में उपरोक्त क्रिया की आवृत्ति कीजिए, जैसे उदाहरण 35 - 58 को जोड़िए। हल 58 को शून्यांत संख्या 60 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ी। यह 2 की न्यूनता 35 में से पूरी किया था। 35 + 58 = 33 + 2 + 58 = 33 + 60 = 93। उदाहरण दूसरा 19 से 65 को जोड़िए। 19 + 65 = 19 + 1 + 64 = 20 + 64 = 84। टिप्पणी इस प्रकार अनेक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। उदाहरण योग कीजिए। (4,998), (6,789), (5,715), (4,837), (8,976) इनका योग होगा 31,315। संकेत पहला 98 + 89 = 98 + 2 + 87 = 100 + 87 = 187, अतः 89 से पूर्व अंक 7 पर एक अधिक चिन्ह। दूसरा से 87 + 15 = 87 + 3 + 12 = 90 + 12 = 102, अतः 15 से पूर्व अंक 7 पे एक अधिक चिन्ह। तीसरा से 02 + 37 = 39 तथा 39 + 76 = 35 + 4 + 76 = 35 + 80 = 15 + 20 + 80 = 115, अतः 76 से पूर्व अंक 9 पर एकाधिक चिन्ह तथा 15 नीचे उत्तर में लिखा। चौथा शेष योग संक्रिया उपरोक्त समान। पेज नंबर 293। उदाहरण योग कीजिए। 7534 - 2469 - 1932 - 6547 योग होगा 18472। संकेत पहला 34 + 59 = 33 + 1 + 59 = 63 + 60 = 93। शेष 93 + 32 = 93 + 7 + 25 = 100 + 25 = 125, अतः अंक 9 पर एकाधिक चिन्ह। तीसरा शेष 25 + 47 = 22 + 3 + 47 = 22 + 50 = 72 लिखा। उत्तर के स्थान पर चौथा शेष योग संक्रिया उपरोक्त समान।